लोकसभा चुनाव से पहले शनिवार को बीजेपी के दो सांसदों का ट्वीट आता है। दोनों सांसदों के ट्वीट की भाषा से लेकर आग्रह तक समान था। दोनों ट्वीट के संदेश के अंत में जय हिंद लिखा हुआ था। पहले दिल्ली में पूर्वी दिल्ली संसदीय सीट से बीजेपी के एमपी गौतम गंभीर ने पार्टी से खुद को राजनीतिक दायित्व से मुक्त करने की अनुमति मांगी, तो दोपहर तक हजारीबाग से सांसद जयंत सिन्हा ने भी इसी तर्ज पर ट्वीट करते हुए खुद को सियासी दायित्व से मुक्ति की मांग की। ऐसे में सियासी गलियारों के साथ ही सोशल मीडिया पर भी ये चर्चा होने लगी कि आखिर इस सियासी दायित्व से मुक्ति वाले ट्वीट के मायने क्या हैं। दरअसल हजारीबाग से भारतीय जनता पार्टी के सांसद जयंत सिन्हा ने भी पार्टी से गुजारिश की है कि वे उन्हें चुनावी कर्तव्यों से मुक्त कर दें। उन्होंने इस बारे में पार्टी चीफ जेपी नड्डा को अवगत कराया है और शनिवार को एक्स पर इससे जुड़ा एक पोस्ट भी किया। एक्स पर की गई अपनी पोस्ट में जयंत सिन्हा ने लिखा कि मैंने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुझे मेरे प्रत्यक्ष चुनावी कर्तव्यों से मुक्त करने का अनुरोध किया है, ताकि मैं भारत और दुनिया भर में वैश्विक जलवायु परिवर्तन से निपटने के अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित कर सकूं। उन्होंने कहा कि मैं आर्थिक और शासन संबंधी मुद्दों पर पार्टी के साथ काम करना जारी रखूंगा। मुझे पिछले 10 वर्षों से भारत और हजारीबाग के लोगों की सेवा करने का सौभाग्य मिला है। इसके अलावा मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी नेतृत्व द्वारा प्रदान किए गए कई अवसरों का आशीर्वाद मिला है। उन सभी के प्रति मेरी हार्दिक कृतज्ञता। जय हिंद। जयंत सिन्हा के बारे में आपको बता दें कि जयंत सिन्हा पूर्व केंद्रीय मंत्री और पहले एनडीए और फिर टीएमसी नेता यशवंत सिन्हा के बेटे हैं। जयंत ने पहली बार साल 2014 में लोकसभा चुनाव लड़ा और जीता। जयंत पीएम मोदी के पहले कार्यकाल में मंत्री थे। 2016 से 2019 के बीच वह उड्डयन राज्य मंत्री रहे। इसके अलावा 2014 से 2016 के बीच वित्त राज्य मंत्री के रूप में भी जिम्मेदारी निभा चुके हैं। जयंत सिन्हा को 2019 में एक बार फिर हजारीबाग से टिकट दिया गया था और वह पार्टी की उम्मीद पर खरे भी उतरे। उन्होंने एक बार फिर जीत हासिल की, लेकिन पीएम मोदी के दूसरे कार्यकाल में उन्हें कोई मंत्रालय नहीं दिया गया था। उधर शनिवार को ही गौतम गंभीर ने भी अपने ट्वीट में लिखा कि मैंने माननीय पार्टी अध्यक्ष से अनुरोध किया है, जेपी नड्डा जी मुझे मेरे राजनीतिक कर्तव्यों से मुक्त करें, ताकि मैं अपनी आगामी क्रिकेट प्रतिबद्धताओं पर ध्यान केंद्रित कर सकूं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। उन्होंने पीएम मोदी के साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री को लोगों की सेवा का अवसर देने के लिए आभार व्यक्त किया। अब दोनों ही नेताओं की तरफ से ऐसे ट्वीट आने के पीछे के मायने भी समझते हैं। बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर जल्दी ही लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम वाली पहली सूची जारी कर सकती है। पार्टी ने अपनी केंद्रीय चुनाव समिति की पहली बैठक में 150 से ज्यादा सीटों पर लोकसभा उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की थी। जेपी नड्डा और अमित शाह के बीच कई घंटे की मैराथन बैठक हुई थी। पार्टी ने इस चुनाव में 370 से अधिक सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। ऐसे में पार्टी की रणनीति अपने कई पुराने सांसदों का टिकट काटने की है। पार्टी की तरफ से पुराने चेहरों के स्थान पर नए चेहरों को उतारा जाएगा। इसके अलावा कई राज्यसभा सदस्यों को भी चुनाव में उतारा जाएगा। इस क्रम में पार्टी की तरफ से कई मौजूदा सांसदों को इस संबंध में सूचना मिलने लग गई है। माना जा रहा है कि अपना टिकट कटते देख पार्टी के सांसद सम्मानजनक तरीके से खुद ही किनारा कर रहे हैं।